हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है आखिरी वीडियो है इस साल की जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग इशू के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप एक क्रिएटर हो, यूट्यूब पे काम करते हो, तो आपको पता होगा कि सब्सक्राइबर जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं हमारे चैनल से, मेरे चैनल से खुद ही। अगर मैं यूट्यूब को अगर मैं चेक करता हूँ, जहाँ पे अगर गूगल क्रोम में साइट पे जाके, तो वहाँ पे हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 30-40 सब्सक्राइबर ज़्यादा दिखा रहे हैं। और अगर मैं YT स्टूडियो में चेक करता हूँ, जो एप्लीकेशन है यूट्यूब का, तो उसमें हमारे जो सब्सक्राइबर है कम दिखा रहे हैं। अब ऐसा केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे चैनल के साथ हो रहा है, जो जितने बड़े हैं उनका उतना ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं, मतलब कि ड्रॉप हो रहे हैं। अब इसके पीछे जो रीज़न है, उससे क्या हुआ है, यूट्यूब के द्वारा जो हमारे पास एक ट्वीट भी आया है, और साथ में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या, आखिर क्यों हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो ट्वीट आया यूट्यूब के द्वारा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसमें सीधा लिखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रेंडिंग इशू है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है कि ये एक ट्रेंडिंग इशू चल रहा है इसमें, और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोग हेल्प से आपको यहाँ पे यूट्यूब टीम से हेल्प मांग रहे हैं कि आखिर मेरे सब्सक्राइबर ड्रॉप क्यों हो रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के 10,000, 20,000, 50,000 सब्सक्राइबर ड्रॉप हुए, क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा ट्वीट भी आया है हमारे पास, वो तो मैं हेल्प साइट से दिखा रहा था। यहाँ पे एक ट्वीट भी, इसमें भी सेम ही वही चीज़ दिखाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चीज़ के बारे में YouTube को पता भी है कि आखिर सब्सक्राइबर ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। अब इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हर साल के एंड में, मतलब दिसंबर में, हमारे सब्सक्राइबर जो है कम हो जाते हैं। केवल हमारे ही नहीं होते, पिछले साल जो प्यूटीपाई और टी सीरीज का जो टक्कर चल रहा था, उसमें क्या हुआ था, लगभग 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर कम हुए थे टी सीरीज का, प्यूटीपाई का भी। तो इसके पीछे सीधा सा रीज़न यही है कि हमारे जो चैनल पे जो हमें सब्सक्राइब करके रखे रहते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो वो क्या करता है, अपना पुराना ईमेल आईडी वो नए फ़ोन में नहीं डालते, वो छोड़ते हैं। बाय, छोड़ो, जाने दो यार, आईडी तो है, फिर नया बना लेंगे। तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी आईडी जो हर समय नया बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वो तो उस चैनल, उस आईडी से सब्सक्राइब कर लिए आपको, अब जीमेल आईडी तो एक ही होता है, अब उससे जिसको जिसको सब्सक्राइब किए रहोगे तो उस पर आपका वीडियो जाता रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो नया फ़ोन यूज कर लिया या फिर उस आईडी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो डेड सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और वहाँ पे जो अकाउंट यूज नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि जो हमारे डेड सब्सक्राइबर होते हैं, उसको क्या करता है, एंड में हटाने लगता है गूगल, जो होता है, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, वो अपने आप ही उसे हटा देता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं, डिलीट कर देते हैं अपना चैनल, फिर से क्या होता है कि कुछ आईडी ऐसी होती हैं जो नए नए आईडी बनाने लगते हैं। जैसे कि कोई भी यूज़र है, अपने फ़ोन में गूगल आईडी बना लिया, फिर से क्या किया, उसी से यूट्यूब और ट्यूब सब चला रहा है, लेकिन फिर एक नया फ़ोन लेता है, नया आईडी बना लेता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया आईडी बना लेते हैं नए फ़ोन लेने के साथ, उन्हें ये नहीं पता है कि हमने एक बार आईडी बना लिया, वो लाइफ टाइम के लिए, चाहे हम कितने भी फ़ोन इस्तेमाल करें, सब में वही आईडी डाल के चला सकते हैं। लेकिन उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आईडी दोबारा रिकवर ही नहीं करते, फिर एक नया आईडी बना लेते। तो इससे क्या होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे भूल गए हैं, मतलब वो उस चैनल से सब्सक्राइब तो किए हैं, उन्होंने एक नया आईडी भी बना लिया, उससे भी आपको सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन गूगल तो काउंट कर रहा है ना कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो इस चैनल से भी सब्सक्राइब हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब वो डेड सब्सक्राइबर हो, क्योंकि वो तो यूज ही नहीं कर रहा है, ना तो आपके वीडियो देख रहा है, ना तो आपके चैनल पे आ रहा है, और वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है अपना चैनल, क्योंकि जब भी आपका वीडियो कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो उसे एक चैनल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ना तो वो आईडी यूज़ कर रहा है, ना कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या होता है, एक डेड सब्सक्राइबर माना जाता है, या फिर डेड अकाउंट माना जाता है। जिससे क्या होता है, गूगल जो है अपने एल्गोरिथम के द्वारा सबको हटाते रहता है, क्योंकि कचरा भरना
अच्छी बात नहीं है, जिससे उनके सर्वर पर जाम भी हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे आईडी होते हैं, फेक आईडी हो जाती है, तो वो क्या होता है, डेड सब्सक्राइबर होते हैं, डेड अकाउंट होता है, गूगल अकाउंट जो होता है, या तो उसे बंद कर देता है गूगल, या फिर उसको हटा देता है आपके चैनल से। तो इससे क्या होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सक्राइबर का फ़ायदा भी नहीं है ना हमसे, क्योंकि वो सब्सक्राइब करके रखा है, ना तो वीडियो देख रहा है, ना ही हमारे चैनल पर आ रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना। हमें सब्सक्राइब तो काउंट कराना नहीं, हमें तो व्यूज चाहिए ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये हट भी जाता है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली गूगल टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आखिर दिक्कत क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको बता दूँ कि अब मैं नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। लगभग 1 जनवरी से मैं नया चैनल स्टार्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मैं उस चैनल पर ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, क्योंकि इस चैनल पर हमारा जो है रीच जो है गूगल से नहीं मिल रहा, मतलब यूट्यूब जो है हमें ज़्यादा रीच ही नहीं दे रहा, तो हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो चैनल है ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल बना लूँ, क्योंकि उस पर थोड़ा सा हमको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है, और यूट्यूब जो नए चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो बस यही रीज़न है। आप क्या चाहते हो, जब भी मैं नया चैनल बना दूंगा आपको अपडेट दे दूंगा, उसके बाद आप उस चैनल पर आ जाना, वहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस पर भी रहेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ पे कुछ हट के हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, गुड बाय।